अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं उस्मान ऑफिशियल। बायकॉट मरी, बायकॉट मरी, बायकॉट मरी। मरी में इंसानियत का कत्लेआम। बेहिस वालदैन ने अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरते देखा। मरी में 3,000 वाला कमरे का किराया, 40,000 वसूल किया गया हीटर फी घंटा किराया, 1,000 पेपर वसूल किए गए, टायर में चैन लगाने के 5,000 रुपये वसूल किए गए, 9 पराठे और 1 चाय के 900 रुपये वसूल किए गए। पैसे न होने की जुर्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया और धक्के मारकर सड़कों पर फेंक दिया गया। मरी के मकामियों ने बर्फ में फंसे मजबूर लोगों को बिल्कुल इसी तरह छोड़ा लूटा जिस तरह मैदान जंग में मलिक गनीमत को लूटा जाता है। मरी के मकाम पर रेशियन सहूलतकार और ज़ालिम होटल मलकनान को सबक सिखाएं, मरी जाने से गुरेज करें और मुकम्मल तौर पर ताहयात के लिए मरी का बायकॉट किया जाए। तो जी, कल जब से ये वाक़ा हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ा सानिया ये था, लेकिन जो ये टूरिस्ट हैं वो इतने कमीने हैं जो ये टूरिस्ट लेके जाते हैं, अभी भी इस चीज़ के ऊपर अपनी नहीं कहते हैं, जो होना था हो गया। तो ये देखें, बायकॉट मरी अपील तमाम गैरतमंद पाकिस्तानी जो फैमिली वाले हैं, हम सब ने पहले ये भी कर दिखाया था और अब भी वक्त आ गया कि पाकिस्तान में अपने रहने वाला हर गैरतमंद पाकिस्तान ये कसम खाए कि अब वो कभी मरी जैसे एक आम जगह पर नहीं जाएगा। वहाँ के रहने वालों को शायद कोई फैमिली ही नहीं होती या शायद इस इलाके में भी तलीम का कोई वजूद नहीं। एक लंबे अरसे से वहाँ तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी फैमिली के साथ शदीद बदसलूकी हो रही है। बहुत सी तो रिपोर्टें ये नहीं होती, इसलिए इस पैगाम को हर पाकिस्तानी तक पहुँचाए। पाकिस्तान मरी से हर बेकार जगह है और सबसे ज़्यादा गुना खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो वाकया हुआ इसमें इतनी जानें ज़ाया हो गई, लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ। हमारी सोच होती है, हम तो मतलब घर में आराम से बैठे हैं, सुकून ले रहे हैं, लेकिन जो वहाँ कैसे जिनके फोत हो गए हैं, जो उनके उनको छोड़ के चले गए हैं, तो कितना आसान होता है किसी का कुछ चला जाए, बिछड़ जाए, तो हम तो कह देते हैं उधर क्यों लेने गए थे, क्या करने गए थे। जब मौत आती है तो वो ये नहीं बता के कभी नहीं आती, वो उधर लेक पहले जाती है फिर उधर आती है। तो हर तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें जैसा कि ये एक मेरी पिक्चर आप समा की लगाई है, बायकॉट मरी, समा शेम ऑन मरी, मतलब इतना ट्रेंड चला हुआ है, हर बंदा मरी के ख़िलाफ़ है। तो अब हर मतलब मरी के लोग जो हैं वो इस बात को बुरा मानेंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो भाई जो हकीकत है वही लोगों को है। तो इस वीक के लिए मैं कुछ नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो ये जो ये वाक़या हुआ है इसके ऊपर जो ये घर बगैरत लोग थे उनको डूब कर मर जाना चाहिए। मिलते हैं चलो आप किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।